वेलकम बैक गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग बनाने वाले हैं कि साइड नेविगेशन बार कैसे काम करेगा। ठीक है, हम लोग वेब के लिए एक साइड नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ने स्प्लैश स्क्रीन और स्किप लॉगिन का भी फंक्शन बना लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ऐप बनाकर रेडी रखा है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास एक होम पेज, जो कि कुछ एक सेकंड, ये हमारा होम पेज सेव किया मैंने, और ठीक है किसी कारण से ये हमारा होम पेज रिलोड नहीं हो रहा, तो इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग अपना काम पे चलते हैं। सबसे पहले साइड बार बनाना, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ साइड बार के नाम से, साइड बार, और अब हमारे काम है इसके अंदर एक फाइल बनाने के लिए। तो मैं लिखता हूँ साइड बार पेज डॉट डॉट, यहाँ पे मैं बनाऊँगा स्टेटलेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड बार पेज, यहाँ पे स्कैफोल्ड बॉडी। अब यहाँ पे बॉडी में एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग रो यूज करेंगे। ठीक है, अभी रो क्यों यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ा देर में। यहाँ पे मैं शो करवाने के लिए सिंपल सा एक मैंने टेक्स्ट लिखा है, और इसी को मैं यहाँ पे होम पेज पे यूज करूँगा। ठीक है, सबसे पहले साइड बार पेज इंपोर्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं कि अब रिलोड होकर आ रहा है कि नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेटा लिख के आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने होम पेज में इसको डाला था और वहाँ पर डेटा लिखा था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरफ थोड़ा सा हमें हमारा साइड बार रहे और इधर पूरा हमारा वेबसाइट रहे। ठीक है, इस तरह से हम लोग को बनाना है अभी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा साइड बार है इसमें हम लोग ने रो लिया था। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग लेंगे एक्सपेंडेड लेंगे, और चाइल्ड में यहाँ पे लेना है कंटेनर में मैं लूँगा यहाँ पे कलर यहाँ पर डालते हैं कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, अगर इतना सेव करें तो हमारा जो पेज है वो ब्लैक कलर का हो जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो पेज है वो पूरी तरह से ब्लैक हो गया, क्योंकि रो को एक्सपेंड किया, यानी कि जितनी भी रो की जगह थी वो पूरा ले लिया था। हमको क्या करना है कि आधा ही एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे दो एक्सपेंड। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर देंगे और इस तरह से हम लोग कलर भी इसका चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं डालता हूँ ब्लू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रे। ग्रे अब अगर देखें कि हमारे पास आउटपुट क्या है, तो अभी हमारा आधा देखो ग्रे हो चुका है और आधा ब्लू हो चुका है। अब हमारा इतना बड़ा तो साइड नेविगेशन बार नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला में आकर लिखेंगे यहाँ पे फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स यहाँ पे 1 डाल दो और यहाँ पे फ्लेक्स डाल दो 6। अगर आप इस तरह से करोगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरह से है। ठीक है, कि आपका इतना इधर रह गया और इतना इस साइड हो गया। तो हमारा जो ये वाली साइड है इसी तरफ हमारा जो नेविगेशन बार है वो रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, मैं 2 लिख देता हूँ, और फिर हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि हमारा ठीक है कि नहीं। अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 7 डाल देते हैं,
सेवन का टू भाग सही रहेगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारा अभी सही लग रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे सिक्स ही करता हूँ और यहाँ पे वन ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो एक्सपेंडेड है उसमें लिखेंगे चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं लिखूँगा यहाँ पे लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू लिखना है आपको, और इसमें आएगा चिल्ड्रेन, और इसमें लिखना लिस्ट टाइल, ठीक है। लिस्ट टाइल में आपको लेगा यहाँ पे लेगा टाइटल, टाइटल में आपको देना है टेक्स्ट, और सबसे पहला जो रहेगा हमारा होम रहेगा, और एक सेकंड, और क्या लेगा ये विजिट टाइटल सब टाइटल है, यहाँ पे एक आता है लीडिंग, तो मैं डालता हूँ एक लीडिंग, और लीडिंग का जो आइकन रहेगा आइकन्स डॉट होम मैं लिख देता हूँ, ये हमारा सबसे पहला लिस्ट बन गया, किसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट कॉन्टैक्ट, फिलहाल के लिए भी कम ही रखेंगे, यहाँ पे आइकन भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। अभी इतना अगर हम लोग सेव करें और देखें कि अभी हमारे पास किस तरह की चीज़ें आ रही है आउटपुट में, तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास इतना दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे पास दिख रहा है कि इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट बन गया, ठीक है, जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा, हम लोग इसको वर्किंग के साथ काम करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि पीछे का जो कलर है वो मैं वाइट ही रख देता हूँ, चलो ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस सबको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर में और लिखता हूँ यहाँ पे साइड बार कंट्रोलर डॉट डॉट, और यहाँ पे क्लास साइड बार कंट्रोलर जिसको एक्सटेंड करना है गेटेक्स कंट्रोलर से, ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। और यहाँ पे एक चीज़ हम बनाएंगे आर एक्स इंट के नाम से, अब आर एक्स इंट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारा वैल्यू है वह बार बार चेंज होगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो कि आर एक्स इंट क्या है तो आप हमारा गेटेक्स वाली वीडियो देखो, उसी में मैंने बताया कि आर एक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि हम लोग को सिलेक्टेड इंडेक्स के रूप में काम करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन टैब, ठीक है। ऑन टैब हमारे पास एक फंक्शन लाएगा, और एक सेकंड, ऑन टैब अगर लगाओगे तो यहाँ से कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा ऑन टैब, और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे जो साइड बार है उसको एक्सेस करने के लिए मैं लिखूँगा साइड बार कंट्रोलर, और इसको फिर मैं साइड बार कंट्रोलर डॉट गेट, अब इसको इंपोर्ट करने की बात आ गई तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे डॉट पुट साइड बार कंट्रोलर, ठीक है। इस तरह से हम लोग ला दिए। अब जैसे ही इस पर क्लिक होगा होम पेज पे, तो मैं चाहता हूँ कि जो जैसे ही होम पेज पे क्लिक हो तो साइड बार कंट्रोलर डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यू, उसमें जो वैल्यू है वो जीरो सेट हो जाए, ठीक है। और जैसे ही जीरो सेट हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि सिलेक्टेड यहाँ पे, एक सेकंड, सिलेक्टेड, अब सिलेक्टेड कौन होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि साइड बार, एक सेकंड, साइड, एक सेकंड, साइड बार कंट्रोलर डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो होगा तब ये सिलेक्टेड होगा, ठीक है। तो यही चीज़ को हमको सब में पेस्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ को हम लोग पेस्ट कर दें, और यहाँ पे वन लिख देंगे और यहाँ पे भी वन लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग टू लिख देंगे और यहाँ पे भी टू लिख देंगे। अब इतना करने से हमारे पास काम क्या हुआ वो समझते हैं, ठीक है। यानी जब इस पर हम क्लिक करेंगे
लिस्ट टाइल का जब होम वाली चीज़ें पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तब इंडेक्स वाली वेरिएबल में जीरो सेव कर देगा, ठीक है। और सिलेक्टेड तब रहेगा जब ये चीज़ें सिलेक्टेड वाली शो होगा। अब देखो जैसे हम लोग इस पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा। अब अगर स्टेट चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी ये लिस्ट व्यू है उसको यहाँ से कट करके OBX में सेव करना पड़ेगा। OBX में डाल दिए इसको। अब अगर हम यहाँ पर चलें और हम लोग देखें यहाँ पे कि क्या हमारा स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो हमारा जो लिस्ट है वो काम कर रहा है, यानी कि जो हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि इसके हिसाब से इधर पेज को चेंज करना है, ठीक है। तो चलो सारा पेज बनाते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमारे पास होम पेज तो है ही, अब बनाने की बात आया कि अबाउट पेज बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट, एक और पेज है वो है कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट पेज डॉट STL कॉन्टैक्ट पेज स्कैफोल्ड, और बॉडी में मैं सिंपल सा सेंटर डालूँगा, ठीक है। चाइल्ड में टेक्स्ट लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट पेज। अभी यही चीज़ को मैं बार बार कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सारा पेज बन गया, ठीक है। अब हमारा दोनों तीन पेज हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे साइड बार कंट्रोलर में और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे वेर पेजेस के नाम से, और इसको एक एरे बना देंगे, ठीक है। और जितना भी पेज है उसमें उसको इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमारा रहना चाहिए होम पेज, होम पेज आ गया। फिर जो हमारे पास कौन सी पेज है, तो अब हमारे पास अबाउट अस, अबाउट अस पेज, फिर हमारे पास है कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। इस तरह से अब जो हमारा पास ये सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। अब मैं हम चलेंगे अपना साइड बार वाली पेज में और जो ये वाला है उसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे चाइल्ड में लिखेंगे साइड बार, साइड बार डॉट पेजेस, और पेजेस में हम वो चीज़ डालेंगे जो साइड बार की जितनी भी इंडेक्स होगा, साइड बार कंट्रोलर डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यू, यानी कि इंडेक्स में अगर जीरो वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए, वन रहेगा तो वन आना चाहिए, लेकिन अभी ये स्टेट चेंज नहीं करेगा तो इसको हम कर देंगे OBX से रैप, ठीक है। इतना कर दिया हमने। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और आपको दिखाऊँ कि अब हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो अभी आपको एक सेकंड, ये क्या आ गया, वन मिनट, होम पेज पे चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लॉग आउट है, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी जितने भी फंक्शन काम कर रहा है होम पेज पे वो मैं हटा दे रहा हूँ। हम लोग को मोटिव है सिर्फ साइड बार बनाना, ठीक है, तो इसीलिए मैंने होम पेज हटा दिया। अभी हमारे पास ये होम पेज है हमारे इस तरह से। अगर मैं अबाउट पेज पर करूं तो ये हमारा अबाउट पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट पेज पर करूं तो इस तरह से हमारा नेविगेशन बार बन के कम्प्लीट हो चुका है। आप जो चाहो वो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा सबका, डिजाइन आप खुद से कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।